बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। सुशांत आत्महत्या मामले में लगातार अपना पक्ष रख रही कंगना और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच जुबानी झड़प जारी है। कंगना के पिता और बहन ने हिमाचल प्रदेश सरकार से मदद मांगी थी, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार एक्ट्रेस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार हो गई थी। मगर अब सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि केंद्र सरकार ने भी कंगना के लिए वाई लेवल सिक्योरिटी को मंजूरी दे दी है। कंगना ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी जताया है। कंगना ने ट्वीट करके लिखा, ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्म सम्मान की लाज रखी। जय हिंद। कंगना के परिवार वालों का कहना था कि एक्ट्रेस की जान को खतरा है और वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही हैं। ऐसे में उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन की सख्त जरूरत है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही कंगना लगातार मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और फिल्म इंडस्ट्री पर निशाना साध रही हैं। आपको ये भी पता होगा कि हाल ही में शिवसेना समर्थकों ने कंगना के पोस्टर पर चप्पल बरसाए थे, जिसके बाद एक्ट्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। यही नहीं, कंगना ने हाल ही में एक ट्वीट में सवाल किया था, मुंबई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरह क्यों लग रही है। उन्होंने 1 सितंबर की न्यूज रिपोर्ट को भी टैग किया था, जिसमें संजय राउत ने कथित तौर पर कहा था कि अगर वह नगर की पुलिस से डरती हैं, तो उन्हें मुंबई वापस आना नहीं चाहिए।